जल्दी कराने वाली थी कहाँ गया वो? वेरी एक्साइटेड यार, फिल्म छोरी इज नॉमिनेटेड, अजीब दास्तान इज नॉमिनेटेड, तो मेरी दो दो फिल्म्स नॉमिनेट हुई है जो पिछले साल लॉकडाउन में OTT पे ही आई थी. एंड मैंने तो एक्चुअली इसके पहले के साल पे भी जब सोनू की डेडी के स्वीटी के अवार्ड देने आई थी मैं, तब मैंने बोला था दैट आई फील लाइक दिस रियली हैज़ अ फ्यूचर एंड इज गोइंग टू बी समथिंग वी हैव टू वॉच आउट फॉर. एंड आज मैं यहाँ हूँ रिसीविंग अवार्ड फॉर टू ऑफ माई ओन फिल्म ऑन द सेम OTT प्लेटफॉर्म, सो इट्स ग्रेट, इट जस्ट फील्स ग्रेट. यस इट्स ग्रेट. ट्रेलर से लेके फर्स्ट लुक से लेके टीजर से लेके अब गाने तक द जर्नी विद जनहित हैज बीन सो fulfilling and so rewarding that we are all really excited to now show you all more things of the film. And how excited are you for 10th June? Very, of course, I can't wait for it to just come, like just release it now. And how do you see OTT platform changing the world last year? I'm not the only one who sees it, the world is seeing that change and become the biggest boon ever. I feel jo films or jo writers or directors jinko jinki films ya scripts पहले पर्दे पे आती ही नहीं थी, उनको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई है. एंड एवरीबडी आउट देयर, आई थिंक इट्स क्रिएटेड वर्क अपॉर्चुनिटी एंड आर्टिस्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी पीपल आउट देयर दैट आई थिंक इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट इज हियर टू स्टे, इज अन एवेन्यू फॉर ऑल ऑफ अस टू शो व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी वांट टू डू. सो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. टू प्रोजेक्ट्स, डबल एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम. थैंक यू गाइस, बाय.